ये बात है 2017 की, जब बागेश्वर धाम सरकार जी कर्ज में थे, उनके सामने हनुमान जी प्रकट हुए थे। लेकिन क्या है इसके पीछे की कहानी? आज फिर से फैबो फैक्ट्स के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये 100% सही है, क्योंकि ये कहानी स्वयं महाराज जी ने अपने मुख से कही है। हालांकि ये ऐसी कहानी है जिसपे यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असल में यही सत्य है। बात है 2017 की, जब बागेश्वर धाम सरकार जी को धाम पर यज्ञ करानी थी। वो ठान तो चुके थे कि यज्ञ करानी है, लेकिन उनके पास यज्ञ कराने की व्यवस्था ही नहीं थी। ये यज्ञ कराने में 25 से 26 लाख का खर्च लगना था। इस यज्ञ में 40 ब्राह्मण आने थे, जिन्हें दक्षिणा के तौर पर 4 लाख रुपए देने थे, और कई सारे यज्ञाचार्य भी आने वाले थे, तो अच्छे खासे खर्चे होने वाले थे। भंडारा भी लगना था। ये यज्ञ कुल 9 दिनों का होना था, और जैसे तैसे तो 8 दिन बीत गए, लेकिन अब समस्या आनी शुरू हो गई थी। अब महाराज जी के पास मात्र 20,000 रुपए ही बचे थे, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना बाकी था, और भंडारे का सामान भी मंगवाना था। अब महाराज जी ने कभी उधारी तो लिया नहीं था। अब यहाँ से चिंता और होने लगी कि अंतिम दिन बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मणों का दक्षिणा देना अभी भी बचा हुआ था। अब महाराज जी को आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगे, आखिर करे तो करे क्या। हालांकि एक सेठ से किसी तरह आग्रह करके कुछ पैसे तो मांग लिए थे, लेकिन उससे केवल भंडारे की समस्या ही दूर हो पाई थी। अभी भी ब्राह्मणों का दक्षिणा बचा हुआ था, जो कि चिंता का विषय था। गांव वालों ने इस यज्ञ में पूरा साथ दिया, लेकिन महाराज जी को यही चिंता सताई जा रही थी कि अगले दिन होगा तो होगा क्या। अब महाराज जी को नींद भी ना आए, अब वो खा भी नहीं पा रहे थे और ना ही सो पा रहे थे। रात के 1 बजे जब गांव के लोग रामलीला के दर्शन करके चले गए, तब उनकी चिंता और बढ़ने लगी, क्योंकि उस समय क्या था कि वो व्यस्त थे। अब महाराज जी उधार लेने को तैयार भी थे, लेकिन अब कोई उधार देने वाला नहीं था। अब महाराज जी बार बार बालाजी और सन्यासी बाबा का ध्यान कर रहे थे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों की माने तो सन्यासी बाबा दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के परदादा थे, और कहा जाता है कि उन्होंने ही बालाजी का मंदिर बनवाया था, और आसपास के इलाकों में उनकी विशेष मान्यता थी, और सन्यासी बाबा लोगों की समस्याओं का निदान करते थे। अब यहीं पे रोचक मोड़ आने वाला था, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसपे लोग सही में विश्वास नहीं करेंगे। अब महाराज जी बार बार वही 20,000 रुपयों को गिन रहे थे। वो सोच रहे थे कि किसी तरह अगर बालाजी ने उनकी सुन ली हो तो कुछ चमत्कार हो गया हो, लेकिन नहीं, पैसे तो 20,000 ही थे। चिंता बढ़ने लगी। अब रात में ही उन्होंने स्नान किया और वो बागेश्वर धाम के मंदिर चले गए। उन्होंने जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, तभी सन्यासी बाबा की आवाज आई, तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। अब महाराज जी को ये सब देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा था, और वे वहीं पे बेहोश हो गए। होश आया तो वो बहुत खुश हुए, ये सोचकर कि उनके सामने बालाजी आए थे और उन्होंने दर्शन भी दिए। अब महाराज जी चिंता मुक्त थे और वो जाके सो गए। सुबह उठते ही एक नई चमचमाती हुई गाड़ी आती है, और उससे एक सज्जन व्यक्ति निकलते हैं, और उनके पास एक बैग भी रहता है। बस वो महाराज जी के पास आए, मिले और उन्हें वो बैग दिया, और ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि वो महाराज जी के भक्त हैं। इतना कहकर वो चले गए। अब जब बैग खोलकर महाराज जी ने देखा तो उसमें जितने उनको पैसे चाहिए थे उतने ही पैसे उस बैग में थे। तभी उन्हें ये बात ध्यान में आई कि कल रात को क्या क्या हुआ था और सन्यासी बाबा ने क्या कहा था, व्यवस्था हो जाएगी। अब जो सज्जन आए थे उनको देखने के लिए महाराज जी ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो कहीं और चले गए। वो कोई और नहीं थे बल्कि हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए थे, ऐसा महाराज जी का कहना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, जो कि सत्य पे आधारित थी। इसी के साथ मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।